दोस्तों साल 2020 हर किसी के लिए खतरनाक साबित हुआ है। जहां आम जनता इस साल से परेशान है, वहीं बॉलीवुड के सितारों के लिए यह साल बेहद खराब साबित हो रहा है। साल की शुरुआत से ही लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही है। अब खबर आ रही है कि मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हो गया है। आदित्य का निधन सिर्फ 35 साल की उम्र में हो गया है। खबरों के अनुसार आदित्य पिछले काफी समय से किडनी की समस्या से परेशान थे। इसी के चलते कुछ दिनों से वह अस्पताल में भर्ती थे और अब किडनी फेल होने से आदित्य का निधन हो गया। आदित्य ने भी अपनी माँ के कदमों पर चलकर ही अपना करियर चुना था। वहीं कई भक्ति गीतों को अपनी जादुई आवाज में सजा चुके थे। इसके अलावा वह एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर भी रहे थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था वह एक भक्ति गीतों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं। आदित्य का नाम देश के सबसे कम उम्र के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है। अगर बात करें अनुराधा पौडवाल की तो उन्होंने 4 दशक तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू चला रखा।